किसान की कभी मदद नहीं करते हो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10-11 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? एक का नहीं किया है। सारा का सारा प्राइवेटाइज कर देते हैं। आस्ते आस्ते शुरू किया, पहले हिंदुस्तान के पोर्ट पकड़ा दिए, उसके बाद एयरपोर्ट, और अब 1 लाख करोड़ रुपए धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले की जा रही है। और मीडिया में आपने सुना है क्या? मीडिया में आपने कभी टीवी देखते हो, किसान का चेहरा देखा आपने टीवी पे कभी? कभी टीवी पे आपने मजदूर को देखा है? कभी बेरोजगार युवा को चिल्लाते हुए देखा आपने? अंबानी की शादी देखी ना, डांस गाना देखा ना आपने वहां पे? मोदी जी गए थे ना, राहुल गांधी गया था। तो सीधी सी बात है, वो उनके हैं, मैं आपका हूं। और आप देख लेना, आज शाम को मीडिया में, अदानी अंबानी वाली मीडिया में, मेरा भाषण आपको 10 सेकंड के लिए दिखेगा, और फिर 23 घंटे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान में ~15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी है। आप जानते हो पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? 15% दलित, 8% आदिवासी। आप मुझे बता सकते हो कितने हैं पिछड़े वर्ग के लोग? कोई नहीं जानता। कोई कहता है 52, कोई कहता है 50, कोई कहता है 55। सब जानते हैं कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग काफी है, मगर कितने हैं कोई नहीं जानता। आप ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को, माइनॉरिटी को जोड़ दो, 90% आबादी बनती है, 90%। हिंदुस्तान के कम से कम 50% ओबीसी वर्ग है। और 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं। सुना आपने, ओबीसी, मैं ओबीसी हूं, जहां भी जाते हैं मैं ओबीसी हूं, ओबीसी का अपमान हो गया। सबसे बड़ा ओबीसी का अपमान मैं आपको बताता हूं। आप सब जीएसटी देते हो, सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। 1 लीटर पेट्रोल गरीब किसान खरीदता है, शर्ट पैंट गरीब किसान खरीदता है, ढाबे में गरीब किसान खाना खाता है, मिठाई की दुकान में गरीब मिठाई खरीदता है। जितनी जीएसटी वो देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी पिछड़े वर्ग के जेब से निकलती है, दलितों के जेब से निकलती है, आदिवासियों के जेब से निकलती है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता, आप देते हो। ये जीएसटी का पूरा पैसा
हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है। और आपने देखा होगा